उस नारे को मैं बता देता हूँ, 4 मई 1857 को ये नारा मेरठ में लगा था, जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति भड़की थी। तो 4 मई 1857 को मेरठ में एक महापंचायत हुई थी, उस पंचायत में ये नारा बुलंद हुआ था, अल्लाह हू अकबर हर हर महादेव। और 10 मई को इसी नारे के साथ मेरठ की सारी छावनियों में आग लगा दी गई थी। तो ये नारा बहुत पुराना है, और 1987 में जब मेरठ में 27 दिन धरना चला था, वहाँ ये नारा फिर लगा था, और तब से किसान यूनियन में लगता आ रहा था। बीच में ये छोड़ दिया लोगों ने, तो ये फिर शुरू हो गया, एकता बना, इससे तो एकता बनती है। लेकिन ये जो नारा तो अब आधा ही दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सिर्फ अल्लाह अकबर हर हर महादेव की कहीं जो जिक्र नहीं हो रहा है सोशल मीडिया में। तो यही तो देश में नफरत फैलाने वाले लोगों का काम है। तो ये नफरत फैलाने के लिए एक 6 सेकंड की क्लिप बना दी, बस पहला नारा दिखा दिया, आगे क्या क्या बोले गए, अरे इसमें तो तीसरा नारा भी जुड़ा है, बोले सो निहाल सत श्री अकाल, अब तो तीन जुड़ गए। तो ये तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं अल्लाह अकबर से, क्या दिक्कत है इन लोगों को? इनसे पूछो कि पीयूष गोयल से पूछें कि पीयूष गोयल कह रहा है कि मैं सुबह उठते ही जब पूजा करता हूँ तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, वो कलमा के शब्द तो मेरे याद नहीं, तो कलमा पढ़ता हूँ, कलमा के शब्द किसी मुस्लिम से पूछ लेना, वो बता देगा। लेकिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हो रही है मोदी जी की, वो सच्ची है या झूठी है वो अलग मैटर है, उसमें जो मोदी जी बैठे हैं कुछ मुस्लिम लोगों के बीच में, वो वहाँ पे ये अल्लाह अकबर ही पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी कहीं चादर जाके चढ़ाई थी मोदी जी ने भी, तो अल्लाह अकबर और मुस्लिम धर्म से तो काफ़ी जो जुड़े रहे हैं, जाते रहे हैं उन स्थानों पर मोदी जी, लेकिन टिकैत साहब के नारे को लेकर इतनी कड़वाहट क्यों है लोगों में? इनको जलन हो गई। अच्छा। कि देवों के देव महादेव किसानों के पास हैं, अल्लाह और आ गए, साथ में वाहेगुरु जी आ गए, तो अब इनके पास क्या बचा, बाबूजी का ठुल्लू? अब इनको दर्द हो रहा है कि जिनको तोड़ करके हम सत्ता में आए थे, अब इन किसानों ने सबने मिल के इन्हें फिर जोड़ दिया, ये सबसे बड़ी इनको वो हो रही है। मुजफ्फरनगर कांड हुआ था 2013 में, बिल्कुल, और उसमें दो समुदायों के बीच बड़ा विवाद हुआ था, खूनी संघर्ष हुआ था, उसमें कई लोगों की जान चली गई थी, दोनों धर्मों के लोगों की, तो क्या उसी को फिर से जिंदा करने की कोशिश है जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर जो है बोला है टिकैत साहब ने? देखिए ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नफरत बांटेंगे हम प्यार बांटेंगे। और 5 तारीख की मुजफ्फरनगर जो पंचायत हुई ऐतिहासिक महापंचायत, उसमें सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम में जो तकरार थी वो खाई पट गई है, जो इन्होंने नफरत के बीच बोए थे 2013 में, वो दोनों समुदायों ने मिल करके उसको पेड़ को जड़ से ख़त्म कर दिया। और वहाँ कितना बड़ा मुस्लिमों का सैलाब था वो भी आपने देखा होगा, वहाँ मुस्लिमों के लंगर लगे थे, मुस्लिम लोग किस तरह सेवा कर रहे थे, तो वहाँ मस्जिदें, वहाँ हिंदुओं की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब किसानों के लिए खोल दिए थे, बहुत अच्छा भाईचारे का संदेश गया। तो ये तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। उस महापंचायत में हमने एक सबसे बड़ी बात देखी, उस महापंचायत में यूपी के किसानों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में किसान आए थे हरियाणा और पंजाब के। जी हाँ। क्या वो एंट्री कर गए हैं यूपी में बड़े पैमाने पर अब किसान आंदोलन में? देखिए ये तो एक पूरे भारत की महापंचायत थी, लेकिन उनका ये भी कहना था कि यूपी में हम बदलाव करवा देंगे इस बार, जिस तरह से पंजाब में हुआ, देखिए तो यूपी में बदलाव करवाएंगे। ये किसान है, देखिए हमारी रिश्तेदारियाँ वहाँ हैं, उनकी रिश्तेदारियाँ यहाँ हैं, तो अपनी रिश्तेदारियों में आएंगे। और सबसे बड़ी बात तो हमारी ना जात है ना बिरादरी है, क्योंकि हम किसान हैं, और किसान है किसान तो चारों तरफ आएगा, जब उनकी पंचायतें होती हैं, जब हम लोग दौड़ के जाते हैं कोई भी दिक्कत होगी, तो देश की महापंचायती सबको आना चाहिए था। और अलग अलग प्रदेशों से जो प्रतिनिधि आए थे अपना, उन्होंने उपस्थिति दर्ज कराई थी जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, बाकी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान मध्य वो पंजाब हरियाणा इनकी संख्या ज़्यादा थी। तो ये जो महापंचायत हुई है हरियाणा की, कितना बल मिला है किसानों को, इससे चुनाव में क्या असर पड़ेगा इस महापंचायत का? देखिए चुनाव की तो आप लिख लें, सत्ता परिवर्तन परमानेंट होना है तुरंत, जिस दिन भी वोटिंग पड़ेगी सत्ता परिवर्तन कर देगा ये किसान मजदूर, क्योंकि देखिए पूरा देश दुखी है, वो बीजेपी वाले भी दुखी हैं, ये जो अंधभक्त है ना ये भी दुखी हैं, दुखी सब हैं, बस वे अंधभक्ति में लीन है कि अपने बाप के सामने बोल नहीं सकते।
मुजफ्फरनगर के बाद में बड़ा आंदोलन किया किसानों ने करनाल में, जी हाँ, और दो तीन दिन तक जो है नूरा कुश्ती चलती रही पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच में। वहाँ थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया है, किस तरह से देखते हैं कि किसानों की जीत हुई है उसमें या प्रशासन अभी देखिए जो किसानों की मांग थी वो सरकार ने मांग ली, पहले वो अड़ी हुई थी नहीं मानेंगे तो किसान अपने धरने पर बैठ गया, हमारे पास और हथियार क्या, शांतिपूर्वक आंदोलन, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, अब सरकार मान गई, तो मान गई तो किसानों की जीत होगी और क्या। जिस तरह से करनाल में पूरा जाम रहा था, सचिवालय घेर लिया गया था, तो ये किसान जो इतने हावी हो रहे हैं सरकार पर, इसका कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरह से सरकार को घुटनों पर ले आते हैं, उनको अधिकारियों से मीटिंग करते हैं कई कई बार, क्या आगे चल रहा है किसान सरकार से? देखिए कोई भी झगड़ा हो वार्ता से ही तो उसका हल निकलेगा, अब वो इस दौर में नहीं हुई तो अगले दौर की फिर वार्ता होगी, वो भी अधिकारी हैं, वो अपने ऊपर से कोई निर्णय लेते वो लेते होंगे सलाह, तो वो सब चल के अब जब लास्ट आया तो वो वार्ता सफल हो गई, इस विजय हो गई और क्या, यही तो होना चाहिए। पिछले कई दिन से लगातार बारिश चल रही है, किसानों के जो तंबू हैं उनमें पानी आ जाते हैं, बड़ी परेशानी होती है, कपड़े भीग जाते हैं। अब जो टिकैत साहब खुद कल उन्होंने धरना दिया है पानी में बैठ करके, किस तरह से देखते हैं उनके उस त्याग को, संघर्ष को? देखिए भाई वो है सेनापति, और सेनापति अगर छुप जाएगा तो सेना का मनोबल टूटता है, तो जब सेनापति आगे बढ़ के कोई कार्य करता है तो जो सेना का मनोबल है वो चार गुना बढ़ जाता है, तो ये किसानों का मनोबल बढ़ता है इससे कि हमारा सेनापति हमसे आगे है, और उन्होंने दिखा दिया कि सब चीज़ यहाँ नंबर वन है, स्मार्ट सिटी है, उन्होंने दिखा दिया स्मार्ट सिटी की ये हालत है। टिकैत साहब ने कहा था मंच से कि जब तक किसान के कानून वापस नहीं होंगे, 9 महीने हो गए हैं, घर नहीं गए हैं वो, ऐसे तो हमें लग रहा है कि वो घर नहीं जाएंगे, सरकार कानून वापस करेगी नहीं और टिकैत साहब घर जा नहीं पाएंगे अपने मुजफ्फरनगर। देखिए बिल्कुल, जब उन्होंने कसम खाई है तो सेनापति है, सेनापति गई तो पीछे सेना चलती है, तो जब सेनापति अब हमारा इतना मजबूत है तो इस सेना को कोई हरा नहीं सकता। क्या टिकैत आप जो है वनवास पे चल रहे हैं, क्या आज तक जो घर नहीं जाएंगे? देखिए एक उन्होंने एक अपने समस्त किसानों की तरफ से एक कसम खाई है, और आपने देखा होगा वो मुजफ्फरनगर भी गए और 2 कदम पे उनका घर था, उस गली को ऐसे प्रणाम किया लेकिन गली में नहीं गए, और फिर वापस वहाँ से सीधे गाजीपुर बॉर्डर आए, और उनका ये वनवास जल्दी ख़त्म होगा, हम सब ऐसी दुआ करते हैं कि वो भी अपने घर जाएं, सब किसान जीत करके अपने घर जाएं। हाँ ठीक है साहब, जिस तरह से चलते हैं पूरे अपने उसमें दल बल के साथ, वो जो कार की जो है छत से निकल के सबको करते हैं दूर से, मतलब हाथ हिलाते हैं, अभिवादन करते हैं, एक पूरा जलवा चल रहा है टिकैत साहब का, हजारों की भीड़ उनको जो है आप दूर से मतलब सलाम करती है, किस तरह से देखते हैं उनका भविष्य, ये क्या कुछ पॉलिटिकल व्यू है उनका? नहीं ये पॉलिटिकल व्यू नहीं है, ये किसानों का, ये तो किसानों का प्यार है भाई। आज की तारीख में देखिए भारतीय किसान यूनियन 72 देशों में है, और वो इसके प्रदेश प्रवक्ता, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे वो ज़्यादातर खाप पंचायतों में घिरे रहते हैं, तो सारा काम धाम राकेश जी देख रहे हैं, तो अब उन्हें सब लोग प्यार करते हैं, अब कैसे चलें, सड़कों पे चलेंगे तो पैदल कोई चलने नहीं देगा, सारे आदमी पास में आते हैं तो सबसे हाई हेलो होती है, यहाँ बॉर्डर पे रहते हैं ऐसे घूमते हैं, यहाँ कहाँ जलवा, यहाँ तो सब ऐसे घूमते रहते हैं। जिस तरह से उनका दरबल चलता है, गाड़ियों का रेला चलता है, बड़ी पैमाने पर भीड़ रहती है, लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं फील्ड में आते हैं तो आप उनको दौड़ा लेते हैं, उनको भी मौका दीजिए आप चलने का सड़क पर। हमने किसको मना किया? हरियाणा में आप उनके पीछे पड़ जाते हो? हम नहीं पड़ते पीछे, हरियाणा सरकार पंगा ले रही है हमसे, जब वो पंगा लेगी तो जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा, तो वो पंगा लेता है खट्टर हमसे। अच्छा, वरना तो किसान तो शांत है, जब उनने पंगा लिया तो भाई पलटवार तो किसान करेगा, किसान इतना कमजोर तो है नहीं कि पिटता ही रहेगा। अच्छा भाई, हमने आपको वोट दे के विधानसभा में भेजा, हमने आपको विधानसभा में इसलिए तो भेजा कि आप हमारी बात वहाँ उठाओगे। अच्छा। आप वहाँ उठाते नहीं, अब जेजेपी वाला है, उसने वोट लिया था सारे किसानों से कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, और वोट लेके और बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया,
तो हमें तो बेच दिया ना उसने, तो आप उसका विरोध ना करें। हरेंद्र जी, किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 27 तारीख को भारत बंद रहेगा, उसके पहले मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है 17 तारीख को, तो आप क्या करेंगे भारत बंद में, उसके पहले मोदी जी का जन्मदिन भी है, किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए 17 मार्च को वो 17 सितंबर को पिछली बार भी हमने मनाया था और इस बार भी मनाएंगे काला दिवस। मोदी जी सोशल मीडिया पे काला दिवस मनेगा, धोखेबाज मोदी लिखेंगे, हैशटैग चलाएंगे धोखेबाज मोदी। वो तो कल भी चल रहा था। हाँ, मोदी या तो बर्बाद है। नहीं, हमारा धोखेबाज मोदी, मोदी धोखेबाज, ये हैशटैग मोदी धोखेबाज चलेगा। 17 तारीख को उस दिन तो मोदी का जन्मदिन है, तो क्या हो गया? जन्मदिन किसका मनाए? हमें धोखा दिया भाई, हमें धोखा दिया। देखिए, हमें विकलांग से दिव्यांग किया, हमारा जितनी भी सुपरफास्ट ट्रेन है उसमें से हमारा विकलांग को छटा दिया। उसके बाद हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में 4% आरक्षण था, भाई हमें तो संविधान ने दिया है, इसने उसमें ख़त्म कर दिया, तो हमारे साथ तो धोखा कर रहा है ना। तो हमारे हम तो धोखेबाज मोदी धोखेबाज लिखेंगे। अच्छा, जितने बेरोजगार लड़के हैं वो सब इस पर उस दिन ट्रेंड करेगा, मोदी रोजगार दो। अच्छा भाई, 14 करोड़ नौकरी हैं उनकी, 7 साल हो गए और नौकरियां दबा दब जा रही हैं, देश की कंपनियां देश से छोड़ छोड़ के जा रही हैं, कि भाई जो सरकारें हमें मुट्ठी भर बताती थी वो किसानों ने अपना बता दिया कि मुजफ्फरनगर में कि सरकार बताए कि आपकी मुट्ठी कितनी बड़ी है। और सबसे खुशी की बात यह है कि वहाँ भाईचारा एकता बढ़ा और वहाँ की जनता का प्यार मिला, सब किसानों ने मजदूरों ने सब ने मिल के एक सफल आयोजन किया और शांतिपूर्वक किया, सबसे बड़ी बात।